निर्गमन अध्याय 22, निर्गमन अध्याय 22। यदि कोई मनुष्य बैल व भेड़ व बकरी चुराकर उसका घात करे व बेच डाले, तो वह बैल की संति 5 बैल और भेड़ बकरी की संति 4 भेड़ बकरी भर दे। यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ाया जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए, तो उसके खून का दोष न लगे। यदि सूर्य निकल चुके तो उसके खून का दोष लगे, अवश्य है कि वह हानि को भर दे। और यदि उसके पास कुछ न हो तो वह चोरी के कारण बेच दिया जाए। यदि चुराया हुआ बैल व गधा व भेड़ व बकरी उसके हाथ में जीवित पाई जाए, तो वह उसका दूना भर दे। यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत व दाख की बारी चराए, अर्थात अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराए खेत को चर ले, तो वह अपने खेत की और अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे। यदि कोई आग लगाए और वह कांटों में लग जाए और फूलों के ढेर व अनाज व खड़ा खेत जल जाए, तो जिसने आग जलाई हो वह निश्चय हानि को भर दे। यदि कोई दूसरे को रुपया व सामग्री की धरोहर धरे और वह उसके घर से चुराई जाए, तो यदि चोर पकड़ा जाए तो दूना उसी को भर देना पड़ेगा। और यदि चोर न पकड़ा जाए तो घर का स्वामी परमेश्वर के पास लाया जाए कि निश्चय हो जाए कि उसने अपने भाई बंधु की संपत्ति पर हाथ लगाया है व नहीं। चाहे बैल, चाहे गधे, चाहे भेड़ व बकरी, चाहे वस्त्र, चाहे किसी प्रकार की ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय अपराध क्यों न लगाया जाए, जिसे दो जन अपनी अपनी कहते हो तो दोनों का मुकदमा परमेश्वर के पास आए। और जिसको परमेश्वर दोषी ठहराए वह दूसरे को दूना भर दे। यदि कोई दूसरे को गधा व बैल व भेड़ बकरी व कोई और पशु रखने के लिए सौंपे और किसी के बिना देखे वह मर जाए व चोट खाए व हांक दिया जाए, तो उन दोनों के बीच यहोवा की शपथ खिलाई जाए कि मैंने इसकी संपत्ति पर हाथ नहीं लगाया। तब संपत्ति का स्वामी इसको सच माने और दूसरे को उसे कुछ भी भर देना न होगा। यदि वह सचमुच उसके यहां से चुराया गया हो तो वह उसके स्वामी को उसे भर दे। और यदि वह फाड़ डाला गया हो तो वह फाड़े हुए को प्रमाण के लिए ले आए, तब उसे उसको भी भर देना न पड़ेगा। फिर यदि कोई दूसरे से पशु मांग लाए और उसके स्वामी के संग न रहते उसको चोट लगे व वह मर जाए, तो वह निश्चय उसकी हानि भर दे। यदि उसका स्वामी संग हो तो दूसरे को उसकी हानि भरना न पड़े। और यदि वह भाड़े का हो तो उसकी हानि उसके भाड़े में आ गई। यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके ब्याह की बात न लगी हो फुसलाकर उसके संग कुकर्म करे, तो वह निश्चय उसका मोल देके उसे ब्याह ले। परंतु यदि उसका पिता उसे देने को बिल्कुल इनकार करे, तो कुकर्म करने वाला कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार रुपए तौल दे। तू डाइन को जीवित रहने न देना। जो कोई पशुगमन करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे वह सत्यानाश किया जाए। और परदेशी को न सताना और न उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। किसी विधवा व अनाथ बालक को दुख न देना। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे कुछ भी मेरी दोहाई दे, तो मैं निश्चय उनकी दोहाई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपया क्रून दे, तो उससे महाजन की नाई ब्याज न लेना। यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख भी ले, तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना, क्योंकि
क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा। फिर वह किसे ओढ़कर सोएगा? तब भी जब वह मेरी दुहाई देगा तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं तो करुणामय हूं। परमेश्वर को श्राप न देना और न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब न करना। अपने बेटों में से पहले उठो को मुझे देना, वैसे ही अपनी गायों और भेड़ बकरियों के पहले उठे भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन तू उसे मुझको दे देना, और तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका मांस न खाना, उसको कुत्ते के आगे फेंक देना।